नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर 9 में पार्षद और हिमुडा की जानकारी के बिना हाउसिंग बोर्ड रेजिडेंशियल कॉलोनी को जोड़ने के लिए नगर परिषद बद्दी द्वारा लगभग 15 फुट चौड़ी पुलिया लगभग 3 से 4 दिन में ही 80% पूरी कर दी। जब इस बारे में हाउसिंग बोर्ड के निवासियों को पता चला कि यहां से एक सड़क निकाली जा रही है और आने वाले समय में साथ लगते टाइल के उद्योग को आने जाने का रास्ता यहीं से दिया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने इसका विरोध किया और डीसी सोलन व एसडीएम को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद एसडीएम नालागढ़ के द्वारा हस्तक्षेप के बाद कार्य को रोका गया है। पर इस पूरे मामले पर जब वार्ड नंबर 9 के पार्षद से बातचीत की गई, तो हैरानी की बात तो यह रही कि पार्षद को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। पार्षद ने बताया कि पिछले 5 महीनों से नगर परिषद की कोई भी बैठक नहीं हो पाई है और जितनी लंबी पुलिया नगर परिषद द्वारा हाउसिंग बोर्ड में से निकाली जा रही है, उसके हिसाब से तो यह लगभग 7 से 8 लाख तक का काम है। अगर नगर परिषद ने यह टेंडर किया तो यह ऑनलाइन होना चाहिए था और ऐसी जानकारी ना तो उनके पास है कि हाल ही के दिनों में कोई ऑनलाइन टेंडर नगर परिषद में वार्ड नंबर 9 के लिए लगाया गया। नक्शे में है या ये हाउसिंग बोर्ड की जमीन के साथ जुड़ती हुई ऐसा कोई हो सकता है ये कार्य? नहीं, हमारे नक्शे में तो ऐसा कुछ नहीं है। नक्शे में तो ऐसी एंट्रेंस इन लोगों के लिए कोई नहीं, हमने उनको नोटिस दे दिया है। काइन को डिसमेंटल किया जाए इसको। वैसे तो एरिया कमेटी को हैंडेड ओवर है मेंटेनेंस के लिए, बाकी कमेटी को हम नोटिस लेटर लिख देंगे, कमेटी को भी सूचित कर देंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है ये काम। तो रास्ता हाउसिंग बोर्ड जो रेजिडेंस कॉलोनी उसमें निकाला जा रहा है, जबकि हिमुडा के अधिकारी से मैंने बात की, उन्होंने इनको नोटिस भी दिया कि मैप में यहां से कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अब किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात ये रास्ता निकाल दिया है, यहां पुली लगा दी। और हमने जब आके पता किया, कहते हैं नगर परिषद करवा रही है, तो जब ये यहां से रास्ते नहीं, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से यहां बच्चे भी खेलते हैं, तारों की जो हाइट है वो नीची है, यहां से टिप्पर निकलेंगे, किसी ने पीछे एक टाइल की फैक्ट्री लगा रखी है, वो सारा मटेरियल इधर को लेके जाएगा। जो हाउसिंग बोर्ड के काम है वो 4 साल से यहाँ पे जब से भाजपा सरकार ये पेंडिंग पड़े हैं वो तो हुए नहीं। आज इस काम को के लिए रातों रात सभी जो यहाँ पे नगर परिषद के अधिकारी है पूरा लग गए इसको करने में ना, कि इसको जल्दी जल्दी रिकवर करें, एक व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचा रहे हैं। एक तरफ तो माननीय सीएम जयराम ठाकुर जी कहते हैं कि ऐसा कोई वो नहीं हो रहा करप्शन और यहाँ पे ऐसा हो रहा है, इलेक्शन ईयर है, अगर हमारी कॉलोनी से ऐसा रास्ता निकाला, इसको बंद ना किया, अगर रातों रात द्वारा बना लिया तो इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी और इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में हम इन सबका विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे उसका, वोटिंग का। और हमने इसकी कंप्लेंट माननीय एसडीएम नालागढ़ मैडम डीसी सोलन को भी की है, एसडीओ हिमुडा ने इनको नोटिस भी निकाला है, परंतु मेरे को जैसा देखने में लग रहा है कि ये लोग रुकने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे को लग रहा है प्रदेश में कोई भी किसी को कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रशासन का डर नहीं है, सब कुछ देर नगरी चौपट राजा हो रखा है। तो हमने यहाँ के पार्षद से भी पूछा था सरजीत चौधरी से, वो कहते हैं मेरी नॉलेज में ऐसा कोई टेंडर नहीं है। ये तो बात आप छोड़ो, पिछले दिनों कम्युनिटी सेंटर में एक कम्युनिटी सेंटर का विधायक महोदय जी ने रखा था नींव पत्थर, उसको एक्सटेंड करने के, लेकिन उसका टेंडर भी नहीं हुआ क्योंकि ऑनलाइन टेंडर हुआ, 25 लाख का काम है, उसका भी काम इसी ठेकेदार ने लगा दिया। पता नहीं वो कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया, कि सिर्फ ये मेरी समझ से बाहर है कि ये इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, या पता है सरकार ने इन लोगों को छूट दे दी है कि आप जो मर्जी करो। तो इसका भी टेंडर देखो, ये 10 लाख से मेरा 15 लाख का काम लगता है, टाइलें भी पहले ही आ गई, सब कुछ हो गया, तो इसका मतलब तो रातों रात हो जाएगा काम। और उसके लिए ये जो है हाउसिंग बोर्ड के लोगों के साथ धोखा है, कल से यहाँ टिप्पर वगैरह निकलेंगे, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसकी जामाल की रक्षा कौन करेगा, किसकी जिम्मेवारी होगी। वहीं जब मौके पर मौजूद फेज 2 के मकान नंबर 213 के आसपास के मकानों में रह रही महिलाओं ने बताया कि जब यह कार्य हो रहा था तब उनके द्वारा वहां पर मौजूद लोगों से पूछा गया कि यह क्या कार्य किया जा रहा है। तब उनका कहना था कि इस नाले को कवर कर एक पैदल रास्ता बनाया जाएगा और साथ ही में यहां पर
पार्क को डेवलप किया जाएगा जिसमें बच्चे खेल सकेंगे। पर पिछले कल जब रात को इनके द्वारा यहां पर लगा एक इमली का 10 से 15 साल पुराना पेड़ जेसीबी के द्वारा काट दिया गया, तब महिलाओं ने इसकी सूचना रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान संजीव कौशल और पार्षद सुरजीत चौधरी को दी, जिसके बाद अब यह कार्य रोका गया है। महिलाओं का प्रशासन और सरकार से आग्रह है कि इस अवैध कार्य को तुरंत रोका जाए और नाले के साथ एक दीवार बनाई जाए जिससे चोरी का कोई खतरा न रहे। और ये गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड पे ऐसे ही काम शुरू कर दिया। फर्स्ट थिंग तो यही है ना, ऊपर से नाला मतलब कह रहे थे कि बंद होगा तो सारे खुश हो रहे थे कि चलो बंद हो जाएगा, सांप वगैरह आते हैं तो बच्चों के लिए सेफ्टी, लोगों के घर है सेफ्टी हो जाएगी। हमें क्या पता था इन्होंने ये वाला गंद मचाना है इधर, ये बात तो कल ही पता चली, ये तो आज पता चले होगा। क्राइम कितना बढ़ेगा ये सोचो, सारे भैया लोग हैं यहाँ पर, ये सारे यूपी बिहार के, कितना वो खाते होंगे। ये किसी का बच्चा उठा के ले गए तो गवर्नमेंट हमारा साथ देगी? चोरी नहीं देगी, चोरी होगी सबके घरों पे, कोई सामान कोई गाड़ियां सब कुछ बाहर रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये गली सबसे बेस्ट है और सेफ है, और कोई गली इतनी सेफ नहीं है कि बच्चे आराम से खेल सके। हमें पूरा पूरा ऑब्जेक्शन है, नहीं होना चाहिए, जैसे दोबारा करके दो। और अगर ज्यादा सेफ्टी करनी है ना तो पूरे यहाँ से वहाँ तक ना लास्ट तक दीवार बननी चाहिए यहाँ पर, ताकि इधर की गंदगी इधर ना आए। हाँ, ये होना चाहिए। आप सब जितने आप काम कर रहे थे तो मैंने उन्हीं से कांटेक्ट किया, उनसे पूछा मैंने आप क्या कर रहे हो, तो बोलते यहाँ पे हम बच्चों के खेलने के लिए पार्क बना रहे हैं और पार्किंग बनाएंगे तो ये जितना भी नाला है ये सारा बंद हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं बताया था हमें कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ईंटों की जो फैक्ट्री लगनी है वो लगेगी, ऐसे ही लग जाएगी तो हमारे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा हम सेफ्टी है इससे। कल को अगर गाड़ी आती है, बच्चे खेलते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, दस बात है। हम लोगों को झूठ बोल गया, भैया पार्क बन रहा है इसलिए हम ये सड़क बना रहे हैं, झूठ बोला। सबसे बड़ा झूठ इस घर वालों के साथ बोला कि हाँ ये पार्क बना रहे हैं इसलिए छोटा सा रोड बना रहे हैं, ये गलत है, ये अपने काम के लिए सड़क बनाई इन्होंने। इतना बड़ा पेड़ था, पेड़ को काट कर इतना बड़ा पेड़ था, बरसों लग जाते एक पेड़ खड़ा करने। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।